अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ ख़ान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामईन का मेरे यूट्यूब चैनल बैनसुतून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम एक रूबरिक को समझेंगे इंशाल्लाह, जो कि सीना दवाई की जान है और इस रूबरिक में यह अकेली दवाई है और इस रूबरिक के ज़रिए हमने बच्चों में बहुत से अमराज को हल किए हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, आपसे पुरखलोस गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप पहली मर्तबा इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल की घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपका किसी तरह का कोई मशवरा हो या कुछ पूछना हो तो ज़रूर ज़रूर कमेंट भी करें। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। एक शोहर और मर्द अपने बच्चे को लेकर मेरे क्लिनिक पर आए। शोहर आकर बैठ गया, लेकिन बच्चे की वालदा अभी भी उसे गोद में लिए हुए यहाँ से वहाँ टहल रही है। शोहर: डॉक्टर साहब, देखिए ना मेरे बच्चे को, 2 रोज़ से बहुत तेज़ बुखार है और इसने हमें परेशान करके छोड़ा है। ना दूध पीता है, ना पाखाना करता है, बस रोए ही जा रहा है। वालदा: बच्चे को टहलाते हुए: ना बेटा ना, किए जा रही है। डॉक्टर: वालदा से, आप इसको लेकर बैठ जाए। वालदा: नहीं डॉक्टर साहब, नीचे बैठे के इसका रोना शुरू। वालदा बच्चे को लेकर बैठी बैठ जाती है कि बच्चा रोना शुरू कर देता है, और चिल्लाए जा रहा है। डॉक्टर: तो क्या करने से बच्चा चुप बैठता है? वालदा: कुछ भी कर लो डॉक्टर, लेकिन चुप ही नहीं बैठता। मेरे क्लिनिक का नया नया ज़माना था, मैं थोड़ा डरा हुआ था। वालदैन दोनों चेहरे से परेशान नज़र आ रहे थे। मोहल्ले वाले भी बड़े ताज्जुब से मेरे और बच्चे को देख रहे थे। हमने कॉलेज में सीखा था कि अगर कोई चिड़चिड़ा बच्चा आ जाए तो उसे चामोमला दो। मैंने बच्चे के मुंह में चामोमला 30 की एक डोज डाली और बच्चा चुप हो गया। सभी खुश हो गए, मेरी भी जान में जान आई। 5 मिनट ही गुजरे थे कि बच्चे की ज़ोर से आवाज़ शुरू हो गई। मेरा क्लिनिक गूंज उठा। वहाँ 17 लोग मौजूद थे और उनके 17 मशवरे। मैं दवाई ढूंढने के बहाने अंदर कमरे में चला गया और अंदर जाकर मैंने उस्ताद मोहतरम को फ़ोन लगाया और हाल बताया। सर ने कहा कि आसान है, सीना दो उसको। मेरे पास सेना 200 थी। एक गोली पर एक बूंद डालकर बच्चे के मुंह में डाल दिया और आप यकीन नहीं करेंगे, 10 सेकंड में ही बच्चा चुप हो गया। फिर मैंने 10 मिनट और क्लिनिक पर इन्हें बिठाया। बच्चे ने वही बदबूदार काला पीला पाखाना किया। माँ ने उसे घर ले गया और बच्चे ने पेट भरकर दूध पिया और 7 से 8 घंटे सो गया। वालिद: शुक्रिया डॉक्टर, आपकी फ़ीस कितनी हुई? इस वक्त मैं 50 रुपये लिया करता था, लेकिन मेरी ज़बान से अचानक निकला 100 रुपये। वालिद ने 200 रुपये ज़बरदस्ती मेरे जेब में डाल दिया। यह है मौजज़ा होम्योपैथी। हमने जो उसके रूबरिक लिए थे, क्वाइटेट कैन नॉट बी क्वाइटेट, इसमें अकेली सीना दवाई। दूसरा रूबरिक कैरी डिज़ायर टू बी कैरी शोल्डर ओवर द, और तीसरा रूबरिक कैरी डिज़ायर टू बी कैरीड एमोलोरेटेड नॉट एमोलोरेटेड बट कैरिंग डस। मेरी बहुत जल्द हायोसेमस की वीडियो आने वाली है, जो कि शॉर्ट वीडियो पर मुश्तमिल होंगी।